हे गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम कर वीतेवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव का क्लास नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी 5 क्लास आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या आप लोग का कैसे पेपर आ सकता है आप लोग का इंग्लिश टू हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी में आप लोग का कैसे पेपर आ सकता है, और सेम आप लोग का हिंदी से इंग्लिश आप लोग अपने जो लिखे हैं उसको आप लोग देखेंगे तो इंग्लिश में आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा ये चीज़ें। और दूसरे भाषाओं के लिए आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग के लिए मेरे पास सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं आता है वो पढ़ने। अगर आप लोग मराठी में लिख के भेजेंगे, पंजाबी में लिख के भेजेंगे तो सॉल्यूशन मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप लोग किसी जान पहचान के किसी को भेज सकते हैं उस चीज़ को, वो आपको चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग करवा सकते हो कभी। अब तो टाइम भी नहीं बचा, आज आप लोग का 26 तारीख हो गया, 27 कल, 28 और फिर 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोग के पास एक एक पैराग्राफ और दिया हूँ मैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर टाइम सेट हो सके, आप लोग का रिस्पॉन्स सही टाइम पे आ जाए तो हो सकता है कि परसों एक वीडियो और डल जाए। कल तक तो नहीं डल पाएगा क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्स थोड़े लेट आते हैं बहुत सारे लोगों के, तो तब तक वेट करना हो जाता है। परसों देखते हैं, अगर हो सके तो एक और वीडियो हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं तो कम से कम कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेंगे हम लोग कि क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए, तो ये पैसेज नंबर 5 का कन्वर्सन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कृतिका गुप्ता जी जो कि गाज़ियाबाद से यूपी से लिख रही हैं, देखिए क्या लिखा है, देखते हैं इनका कन्वर्सन। अपराध एक पुराना विषय है, ठीक है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में प्रेषित हो रहा है। अपराध कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को उत्पन्न करता है, यह एक सामाजिक बुराई है, यह समाज द्वारा उत्पन्न हुई है और समाज भी अपने सदस्यों द्वारा हुए अपराधों को सह रहे हैं। ठीक है, अपराध की उठती लहर लोगों को चेतावनी देती है। तो देखिए आप लोग, इसमें काटा पीटी तो है, काटा पीटी में नंबर कटते हैं क्लियरली, उसको मैं मेंशन कर चुका हूँ आप लोग, काटा पीटी में नंबर कटते हैं। ये तो आप लोग मुझे भेज रहे हैं तो आप लोग काटा पीटी कर सकते हो। ठीक है, काटा पीटी जो कर रहे हो वो कर सकते हो, और ऊपर एरो लिख के यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग मुझे भेज रहे हो, आप लोग को थोड़ा सा क्या डर कम रहता है कि हाँ मैं इनको ऐसे ही भेज देते हैं, मैं मेन एग्ज़ाम में अलग लिखेंगे, है ना, ऐसा होता है। लेकिन आप लोग के साथ क्या होगा पता है, एग्ज़ाम में भी आप लोग के साथ यही हो जाएगा, रफ शीट आप लोग को, ये शीट जो है ना फिर एक और डबल नहीं मिलेगा, जो शीट मिलेगी उसमें अगर गलती से कुछ काटा पीटी हुआ या गलत हुआ उसको आप लोग को सुधारने का मौका नहीं रहेगा, आदत जो है वहाँ भी आप लोग के वहीं कंटिन्यू रहेगी। इसलिए चीज़ों को आप लोग अगर मेरे को भेज रहे हैं तो सेम आप लोग ऐसा सोच के भेजिए कि आप लोग एग्ज़ाम के डायरेक्ट आप लोग एग्ज़ाम में भेज रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में लिख के डाल रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। और जो राइटिंग है ना, ऐसी बड़े बड़े लिखने हैं, बड़े बड़े अक्षर में लिखना है, अगर दूर से भी देखता है सामने वाला तब भी आपको क्लियर दिखे, अक्षर बड़े बड़े होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, अक्षर बड़े बड़े होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद काटा पीटी नहीं होना है और एरो मार्क लगा के नहीं करना है। ठीक है, और आप लोग को एक चीज़ मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड है उसका हिंदी कन्वर्सन आप लोग को नहीं पता, तो आपको क्या करना है, इसी को हिंदी में लिख दीजिए, उसी वर्ड को हिंदी में लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है आपको, ये कोई बड़ा सा एग्ज़ाम नहीं है, सिंपल सा एग्ज़ाम है, बस आपका राइटिंग जिसका अच्छा है वो निकाल लेगा, बस ख़त्म बात है। 40 में 20 के ऊपर ला दो, स्पोकन एबिलिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू निकालना बस। तो आप लोग तो जानते ही है ना, इसके बाद में क्या बोलने वाला हूँ आप लोग को, ये आप लोग का पैराग्राफ हो गया। ठीक है, ये आप लोग का पैराग्राफ हो गया, और ये मेरा मेल आईडी आप लोग का। ठीक है, जो भी आप लोग को पूछना है तो एग्ज़ाम क्रैकर विद AV@yahoo.com में आप लोग कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं, और मार्क्स तो आप लोग को मिल ही रहे हैं, है ना, मार्क्स तो आपको मिल ही रहे हैं, तो आप लोग कभी भी मेरे को कोई भी डाउट है तो उसको भेज सकते हैं। एंड जो भी आप लोग कन्वर्ट करते हैं उसको आप लोग एग्ज़ाम क्रैकर विद AV@yahoo.com में आप लोग को सेंड करना है फॉर गेटिंग द मार्क्स। ठीक है, और आज का जो है असाइनमेंट उसको जल्दी से जल्दी भेजिए ताकि आप लोग को जो है रिप्लाई स्कोर्स जो है मिल जाए एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद का कोई मतलब नहीं, 29 के बाद कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिस करने का, कहानी ख़त्म हो जाएगा यहाँ के बाद, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सपना टूट जाएगा, क्योंकि ACIO आना नहीं है इस साल, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट तो अभी चल रहा है, तो फिर उसके बाद IB में घुसने का सपना तो ख़त्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जॉब है, बहुत बढ़िया रेप्यूटेड जॉब है, इसके लिए आप लोग को ज़्यादा नहीं थोड़ा सा राइटिंग अच्छा करना है, और इंटरव्यू के लिए तो मैं करवाऊंगा ही आप लोग को। ठीक है, इंटरव्यू का तो वेट करना ही है आपको, इंटरव्यू का कैसे है आप लोग का ड्रेसिंग सेंस कैसे रहना है, बात कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या नॉलेज रहना है, तो बताऊँगा मैं आप लोग को, है ना। तो समझ में तो आ ही गया होगा अभी तक आप लोग को जो भी मैं बताया, तो उसको आप लोग ध्यान देखेंगे। और राइटिंग में फिर से बता दूं आप लोग को, राइटिंग आप लोग को ऐसे ही बड़े बड़े लिखने हैं, ऐसे ही बड़े बड़े, देखिए इसको पढ़ेंगे हम लोग एक बार फिर से,
इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अपराधियों के निरंतर एवं लगातार संचालन के कारण समाज की सुख एवं शांति भंग है। जब अपराधियों की को सज़ा नहीं दी जाती, इनको ज़्यादा अपराधों के को अंजाम देने का बढ़ावा मिलता है। विशेष रूप से बड़े स्तर पर बेरोजगारी की इस युग में शिक्षित एवं आरक्षित नौजवानों पैसा के लिए यह अपराध करते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने। देखिए, कन्वर्ट करने का भी कला है ना, ये आपको राइटिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला पढ़े, ठीक है। तो आगे का मैं और क्या बताऊँ आप लोग को, जो जो भी है आप लोग PDF जो मैं भेज रहा हूँ उसका लिंक आप लोग को है, नहीं मिल पाता तो डायरेक्ट मेल कीजिए कि मुझे पैरा नंबर 6 क्लास नंबर 6 का PDF चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अन पढ़ते रहिए।